अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यासमीन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं हम चिकन कोरमा देगी स्टाइल में। देखिए, ये मैंने 1 किलो करीब, 1.25 किलो करीब हमारा चिकन है, ये ले लिया था हमने, धोखे से साफ कर लिया है। अब इसको हम यही डालेंगे। हमने प्याज वगैरह, हम देग वाले जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे बता रहे हैं आपको, जैसे देग वाले बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं हम। देग वाले प्याज वगैरह पहले तल लेते हैं, फिर डालते हैं बाद में गोश्त वगैरह में, देग में अलग में बनाते हैं। तो ये हमने सब गोश्त तैयार कर लिया है। और ये मसाले हमारे, लहसुन धनिया है 2 चमची, 2 चमची करीब लाल मिर्चें हैं, नमक के स्वाद अनुसार 1/2 चमची कुटी हुई काली मिर्चें हैं, 1/2 चमची कुटा हुआ जीरा है भुना हुआ, और थोड़ी सी हल्दी है, ये डाल देंगे हम। मसाले वही बेसिक हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस बनाने का स्टाइल अलग है थोड़ा सा। और ये 250 ग्राम करीब हमने दही लिया था, ये डाल देंगे। ये हमारे थोड़े से खड़े मसाले हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है 8-9, एक बड़ी इलायची है, जावित्री का टुकड़ा है, सफ़ेद इलायचियाँ 6-7, और जायफल का टुकड़ा है थोड़ा सा, और 1/2 चमची काली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे साबुत मसाले। और अब इसको हम उस पर चढ़ाने रख देंगे। और हमने ये प्याज भूनी थी 250 ग्राम करीब, अभी ये भूनी है, अभी हमने तेल में फ्राई करी, ये भी इसमें ही डाल देंगे हाथ के हाथ ही, हम इसमें ही डाल देंगे हम मसाले के अपने हाथों से, ज़्यादा हमें इसको मिर्ची वगैरह में नहीं पीसनी, ये डाल देंगे हम इसमें, सब यूँ चढ़ा देंगे। जिससे हमने प्याज फ्राई करी थी तेल में, उस वही तेल के 2-3 चमचे हम करीब डाल देंगे इसमें, देखिए ऐसे। अभी फिलहाल 3 चमचे डालना है, हम कम पड़ेगा बाद में देख लेंगे, बस अब ऐसे करके डाल देते हैं बस। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी सब सामान हमने डाल दिया था, अब इसमें हमने अदरक लहसुन ये पीस लिया था हमने, एक गांठ करीब, एक बड़ी वाली गांठ थी हमारी वो, और एक अदरक का टुकड़ा था 2.5 इंची का, वो हमने दोनों को पीस लिया है, ताज़ा पीसा, और इसका अदरक लहसुन डाल के अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अभी तो हल्का हल्की आँच है, तो सेम दही डाल दिया हमने, तेज आँच पर फट जाएगा सेम। देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, हमने जो दही वगैरह डाला था वो हमारा मसाला देखिए भुन चुका है, मसाले ने रोगन छोड़ दिया है। अभी थोड़ी सी कसर है, वैसे मसाला तो भुन गया है, लेकिन अभी जैसे गोश्त भी गल गया है, देखिए टांग वाला लेक ने अपना गोश्त छोड़ दिया है, थोड़ा भुनेंगे ना थोड़ी सी देर में और हो जाएगा ये। अभी हमने वो लिया था नारियल का बुरादा जैसे, अब ये डाल दे रहे हैं हमने 5-6 चमची करीब है, 50 ग्राम करीब है, ये डाल दे रहे हैं चिकन, ये इसके साथ भुन जाएगा, जब तक चटकाएंगे तब तक ये भी हो जाएगा। हमें दानेदार बनाना है कोरमा, अभी जब तक ये भुनेगा दानेदार, हाँ इसे देगी स्टाइल में देख जैसे बिल्कुल टेस्ट आएगा, और बिल्कुल भुना भुना और दानेदार बिल्कुल मसाला हो जाएगा इससे, ये फ़र्क होता है इससे। अगर इसी अगर आप चाहें तो इसमें खोया होता है वाइट वाला, वो खोया भी डाल सकते हैं इस टाइम, और काजू बादाम का पेस्ट भी डाल सकते हैं इस टाइम, आपकी मर्जी है, जितने आप जायका अच्छा बनाना चाहेंगे उतनी चीज़ डाल लें आप इसमें। अभी तो फिलहाल हमें ऐसे बना के दिखा रहे हैं आपको, किसी दिन खोए वाला भी बना के दिखाएंगे, आपको पसंद आए तो ये बताना हमें कि हमारी तरह बना के देखेंगे। अभी आपको भून के दिखाते हैं, देखिए गाइस हमारा बिल्कुल कोरमा भुन चुका है, देखिए मसाला बिल्कुल चटक गया है, देखिए रोगन छोड़ दिया बिल्कुल मसाले ने, देखिए बिल्कुल एकदम फटाफटा एकदम दानेदार मसाला हो गया। बस इसी स्टेप पे हमें रुक जाना है, अब हमें और कुछ नहीं करना है, अब हमें डिश आउट करने के लिए ये तैयार है, बस इसमें हमें गरम मसाला डालना है और केवड़ा बाटा डालना है, बस और कुछ नहीं डालना है। तैयार हो चुका है बिल्कुल,
डेगी स्टाइल में आप इसमें हम इस स्टेप पे गरम मसाला डाल देंगे और इसमें हम ये हमने एक चमची केवड़ा वाटर लिया वो डाल दिया हमने, बस हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम डिस आउट करके दिखाते हैं आपको, हम डिस आउट कर रहे हैं। अच्छा रोल है एकदम, ये की तरह एकदम।